हेलो दोस्तों, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपकी अपनी रंजना यादव। आज हम वीडियो में कुछ बात करेंगे कुछ रोस्टर लोग के ऊपर। देखिए, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। आप लोग हमारे चैनल पे देख रहे होंगे महीनों से, मैं किसी को ना ही कुछ बोल रही, ना मैं किसी के बारे में कुछ बातें कर रही हूँ। ठीक, मैं तो किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रही हूँ, तो तुम्हें क्या पड़ी है हमारे बारे में बोलने का, पहले ये बताइए। और दूसरी बात, तुम मर्द हो, एक मर्द से सामना करो, एक हिजड़े से काहे सामना कर रहे हो। पहली बात, तुमको एक बार प्यार से हम समझा रहे हैं, वरना अगर हम सोशल मीडिया पर चैलेंज रखेंगे तो तुम जो बोलते हो कि हम फलाने यादव, तो फिर तुम नाम के पीछे से यादव भी हटा दोगे। इतना याद रखना, हम नाम नहीं लेंगे। पता है क्यों? क्योंकि लोग चाहते हैं हम उसको ऐसे बोले वो हमारा नाम लेके वीडियो बनाए, हम वायरल हो जाए। इसीलिए हम उस कुढ़ंगे का नाम नहीं लेंगे। बस वीडियो के माध्यम से इतना समझा देना चाहते हैं कि जब मैं तेरे बारे में कुछ नहीं बोलती हूँ, ना ही मैं तेरे घर की हूँ, और ना ही मैं तुझे जानती हूँ, ना ही तू मुझे जानता है, तो ऐसे तू मेरे बारे में क्यों बोलेगा। और रही बात भौजी की, भौजी का नाम भी नहीं लेंगे, कहला नाम ले। भौजी तो खुद बड़ी अपना आपको मास्टरमाइंड लगा रही हैं, गेम खेल रही हैं। उनके पास तो कोई कांटेक्ट होता नहीं है, कोई भी कंटेंट नहीं होता है। हाय, विष्णु राज गया जेल, फलाने गए जेल, ढिकाने गए जेल, विष्णु राज का हुआ बेल, अब आ रहे हैं तब आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये लोग को जलवा में से विष्णु भैया बता देते हैं कि अब मेरा बेल हो गया है, अब मेरा रिहाई हो रहा है, अब मैं आ रहा हूँ, ऐसा लगता है। चलिए ठीक है, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। क्या भी किया, इसीलिए मुझे बहुत बुरा लगता है जब हम वीडियो बनाना शुरू कर टिप टिप कर देते हैं आप लोग। पहली बात, जो याद रहता है बेटा ना, वो इंसान भूल जाता है। आप लोग रील्स, हम जब से यहाँ आए हैं एको मार ब्लॉग नहीं बना रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग को बता दें, छोटी सी बच्ची थी, गाना बजा रही थी। आप लोग को पता होगा कि अगर ब्लॉग वीडियो में किसी का भी गाना बज जाता है तो आजकल दुश्मनाई इतनी है, इंसान कॉपीराइट चापने लगता है। ठीक, तो 2 दिन से पता नहीं क्यों मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। इसी बीच मेरे अपने ही लोग कुछ हमको ताने मार रहे हैं। अरे तुम क्या हमको ताने मारोगे, हम घर छोड़ के भागे हैं, हमारा घर पे ठिकान नहीं है। ऐसा कभी सोचना भी मत कि हमारा घर नहीं है, हमारे घर पे ठिकान नहीं, हम घर छोड़ के कहाँ ला भागेंगे, हम घर छोड़ के कहाँ ला भागेंगे। 3-4 लोग को खलबली मच गई है कि मैं घर छोड़ के भाग गया हूँ। अरे ऐसे ही भाग जाऊंगा, इतना किसी में दम है कि हमको घर वाले से भगा देगा। अरे एक बार बिल्ली दूध से जर जाती है ना तो मट्ठा भी फूंक के पीती है। ठीक, और आप लोग शंकर भगवान और बैल महाराज की कहानी सुने ही होंगे। एक बार बैल को चोट लगी, दोबारा से बैल होशियार हो गया। ठीक, और शंकर भगवान गद्दारी किए बैल महाराज के साथ में। कहानी सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कहानी अगर नहीं सुने होंगे तो कमेंट करिएगा, हम बता देंगे। तो हम इन लोगों से कोई मतलब नहीं रख रहे हैं। ये लोग हमारे पीछे पता नहीं क्यों नहा धो के खूब पड़ गए। इससे पहले हम दिल्ली गए थे दर्पण भंडारी के पास। जब हम दिल्ली दर्पण भंडारी के पास पहुंचे तब लोगों में खलबली मची, अश्लीलता हम फैलाते हैं। अरे यार देखो, गौर से देखो, कौन से एंगल से अश्लीलता फैलाती हूँ, ईमानदारी से बताना आप लोग, कोई एंगल से लगता है कि मैं अश्लीलता फैलाती हूँ। आज मैं गई थी वाराणसी नमो घाट। जब मैं नमो घाट पे वीडियो शुरू कर रही थी तो वहाँ का जो गार्ड लोग हैं, जो भी होगा, मान लीजिए कि एक बार आया, मना कर दिया कि यहाँ पे रील्स नहीं बनाना है। हम बोले ठीक है भैया, नहीं बनाएंगे यहाँ पे रील्स। तो ये लोग थोड़ा सा जो होते हैं ना, अभी बोलेंगे तो सबको मिर्ची लगेगी। ये सब क्या बताएं, हम मुँह से ऐसा शब्द भी निकालेंगे तो बहुत बेकार लगेगा कि ये लोग का नियत खराब होता है। नियत खराब इसलिए होता है,
जब ये लोग एक हिजड़ा के प्रति अपनी नीयत नहीं अच्छी रख पाएंगे तो लड़कियों को क्या रखेंगे। अब भाई जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो कैसे इंसान और कैसे संसार चलेगा। तो ये है शहर सिटी और नगर निगम की हालचाल, ताज़ा खबरें। कभी कभी रोडों पे चलते हैं तो ज़्यादातर जो एवड़ा बेवड़ा लोग होते हैं कुछ अजीब तरह की बातें कर देते हैं, कुछ अश्लील शब्द यूज कर देते हैं। तो कभी कभी पत्रकार लोग आते हैं, पूछते हैं कि किन्न लोग ऐसे लोगों को क्यों तमाचा मचा मार देते हैं। पत्रकारों के विषय में ये जानकारी नहीं ना होती है कि जो कि किन्नर ने कहे आम इंसान को तमाचा मारा, किन्नर ने सरेआम प्रशासन की टोपी क्यों उछाला। एक वीडियो वायरल हो रहा था, किन्नर ने सरेआम प्रशासन की टोपी क्यों उछाला। सुनवाई नहीं होता है, कार्रवाई नहीं होती है। ठीक, अभी कोई यही ठाकुर बाभन है और किसी एससी कास्ट को कुछ बोल दिया, तुरंत ही एससी एसटी धारा लगती है। ठीक, और हम किन्नर समाज के लोग हैं, हम भीख मांग के खा के अपना गुजारा बसारा करने वाले, हमको लोग अश्लील शब्द बोलते हैं, हमारे लिए कार्रवाई काहे नहीं होती है। कहाँ है देश के प्रधानमंत्री नेता और युवा नेता जो भी है, इनको फलाना ठिकाना जानती तो नहीं हूँ पर जो जानती वो बोल रही हूँ, कहाँ है हमारे देश के आधान प्रधानमंत्री जी लोग। और तीसरी बात, किन्नरों से लोग प्यार करते हैं, शादी करते हैं, उसके बाद उनका जो भी धन दौलत होता है लूट के फरार हो जाते हैं। कोई सुनवाई होती है, कोई सुनवाई नहीं होती। क्या हम किन्नर लोग इंसान नहीं है? क्या हम किन्नरों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या हम किन्नरों के पास में दिल नहीं है? तो हमें बस एक विनती है, एक अपील की तरह से एक गुजारिश करते हैं कि जो यूट्यूबर लोग मेरे बारे में बोल रहा है उनका हम नाम नहीं लेंगे, बस एक छोटी सी बात कहेंगे कि अगर हम आपके घर के बच्चे होते तो आप हमको ऐसे ही बोलते। थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम आपके घर के बच्चे हैं तो आप हमको ऐसा शब्द बोलते जो आप लोग वीडियो में बोलते हैं। ठीक, अब आपको एक बात और बताते हैं, हम किन्नर हैं, हम किन्नरों का जन्म होता है लोगों को दुआ देना, आशीर्वाद देना, ठीक, और नाचना गाना, अपना बधाइयाँ लेना। ठीक, कभी कभी किन्नरों में भी एक महाकिन्नर आ जाते हैं, ठीक, जिनको अब क्या ही बोला जाए। ठीक, तो इनके वजह से किन्नरों का नाम बदनाम हो जाता है जो महाकिन्नर आ जाते हैं। और रही बात, क्या बोलने वाली थी मैं, एक एक शब्द बोलूंगी मैं। जब एक बार मैं गांव में नाच रही थी उस समय नया नया क्रिएटर थी और हमको एडिटिंग फेडिटिंग करने का कुछ भी सहूर नहीं था, वीडियो बनाई मैं चैनल पे डाल दी। अब मुझे क्या पता कि ये वीडियो का लोग क्लिप निकाल निकाल के लोग इस क्लिप को वायरल करेंगे। होता है ना, किन्नर समाज का जो भी लोग होता है अंग प्रदर्शन बहुत जल्दी कर देता है, क्योंकि ये हमारी आदत नहीं, ये हमारा स्वभाव है और ये हमको भगवान श्री राम जी का जब क्या हुआ था, जन्म हुआ था, क्या हुआ था, तो कुछ भी था, तो तभी से हमको वरदान मिला है। हम किन्नर लोगों को नाचते गाते हैं, मतलब नाचने गए थे हम, एक बूढ़ी दादी थी, मजाक में उनके ऊपर हाँ साड़ी उठा दी, हालांकि हम नीचे पैंट ही पहने हुए थे, ये जो स्लैक्स वाला होता है गोल्डन कलर का वो हम पहने हुए थे, काफ़ी बड़ा था, और पीछे से मतलब साड़ी उठा दिए थे। उस वीडियो को हमारे इतना रोस्ट किया गया, इतना रोस्ट किया गया, इतना रोस्ट किया गया, इतने अश्लील अश्लील शब्द बोले गए। देखिए, गलती हर एक इंसान से हो जाती है, अगर हम इतने ही समझदार होते या फिर आपके जैसी हमारी फीलिंग होती, आपके जैसे हम होते तो हम किन्नर क्यों कहाए जाते, बताइए। आप एक मर्द हैं, आप एक अच्छे खासे घर के लड़के हैं और भाई बिरादर हैं, आप एक भाई बिरादर हैं, अच्छे खासे घर के लड़के हैं और इस तरह से ये किन्नर को ऐसे आप बोलते हैं, शर्म नहीं आती है? दो मिनट के लिए सोच लो कि मैं आपके घर की होती तो क्या आप हमको ऐसे ही कहते? बहुत पहले का वीडियो है,
आज का वीडियो नहीं चैनल पे देखिएगा, जब का मेरा नया नया चैनल है तब का वीडियो था। 5 मिनट का गाना है जिसमें मैं सोहर गीत गाई हूँ। सोहर गीत गाते गाते हम दादी जी के ऊपर कपड़ा अपना उठा दिए थे, उसी क्लिप को पार करके लोग इतना वायरल किए हैं, इतना वायरल किए हैं जिसका कोई हद नहीं। चलिए, हदें पार करना तो ये इंसान की आदत होती है, उनकी फितरत नहीं होती है। कुछ लोग होते ही हैं, और कुछ दो चार छह औरतों के विषय में हम बोलेंगे। अब इनसे मेरा पता नहीं क्या अटकता है, क्या भटकता है, पता नहीं मैं क्या इनका खाई हूँ कि ये हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी रहती हैं। सुल्तानपुर से देखो तो 4 गोलाबंदा तैयार करके रखी हैं, अयोध्या साइड से निकलती हैं, अयोध्या से लेके सुल्तानपुर तक के 4 लवंडा तैयार करके रखी हैं, हमको आलतू फालतू का बात सुनवाती हैं। अरे बहनी, उसके बोलने से कुछ हो जाएगा, उसका तो मैं नाम भी नहीं लूंगी। क्या लोग उसका चैनल पे वीडियो देखता है, 100-200 लोग वीडियो देखता है, उससे कुछ हो जाएगा। और या फिर एक कहावत सही कही गई है कि पता नहीं कौन से आदमी के मनाने से मुर्दा मर नहीं जाता है, ठीक। और हालांकि चलिए ठीक है, और एक बात और बता रहे हैं, आप लोगों ने हमको जितना भी ट्रोल किया है हमको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस एक लास्ट बार हम बता देते हैं कि अब अगर आइंदा हमको ट्रोल करने की कोशिश की तो हम डायरेक्ट सरेआम आवाज लगाएंगे, और आवाज लगा के मिलेंगे, मुकाबला करेंगे, हर एक चीज से मुकाबला करेंगे। जहां तक हमारा हो सकेगा हम वहां तक का मुकाबला करने की तैयारी करेंगे। आप ऐसे मत सोचना, हमको ऐसे गया गुजरा समझ लिए हो, इतना दिन तक नहीं बोलते थे, सोचते थे जाने दो क्या बोले, बेवकूफों के मुंह क्या लगना, इनके मुंह लगो तो अपना मुंह खराब करवाओ, इससे बढ़िया है कि क्या हम इन लोगों के मुंह लगे। और जो बोलती हैं कि रंजना किन्नर ऐसी, रंजना किन्नर वैसी, एक समय था कि रंजना किन्नर उनका गाना प्रमोशन करती थी, एक समय था कि रंजना किन्नर के बदौलत आगे बढ़ रही थी, आज एक समय आ गया कि पीठ पीछे बुराई कर रही हैं। ये दो चार को छोड़ के मैं जहां जहां गई हूँ कहीं से मेरा बुराई नहीं हुआ, ये दो चार लोग पता नहीं क्यों बलबलाने हैं। और एगो और हैं पत्रकार महोदय जी, उनसे भी कहना चाहूंगी कि काहे ऐसा हमारे साथ में करते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, जो भी है जैसा भी है, जैसा लोग कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। अब तो हम खुलेआम बोल रहे हैं, आप करिए, आप सवाल करिए, आपके सवाल का हम जवाब इतना अच्छे से देंगे, इतना अच्छे से देंगे, आमने सामने आके देंगे, फिर आप भी जानिएगा, जान है जहान है, सम्मान से जिएंगे और सम्मान से रहेंगे, मान सम्मान कभी नहीं घटाएंगे। रंजना किन्नर ना कभी झुकी थी, ना झुकी है और ना झुकेगी, हमेशा झुकाए हैं, पता नहीं कितनों का पानी घोट गए हैं, ठीक। लड़का होता है बोलता है हम फला से मिले, हम फला से मिले, उन्हें उनकी जीत है, और लवंडिया होके बोलेगी हमने उनका टेस्ट किया, उनका टेस्ट किया, उसमें उसकी जीत नहीं है, क्यों तुम करो चमत्कार हम करें बलात्कार। ये गलत है, ये चीज बिल्कुल गलत है। कभी भी किसी से भी बात करो तो होश की दवाई खा के बात करो, बेहोश की दवाई खा के बात ना करो, और तुम चाहे जो भी बोलो उससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सुनेंगे सबका, करेंगे अपने मन का। जय हिंद साथियों, और वीडियो आप लोग को हमारा कैसा लगा प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइए।